ये वाला ब्लॉग मेरे बच्चों ने अगर देखा तो सच में टिक्की खाओगी, बतासे खाओगी, बताओ। तो ये मुझे यहाँ घुमाने लेके आते हैं, यहाँ इनको मंदिर वंदिर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता है। हमारे सबके जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें, बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन कुछ लोग बैठे रहते हैं हाथों की लकीरों के सहारे, यानी कि किस्मत के भरोसे। उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि लकीरों से ज़्यादा मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हथेलियों की लकीरों के साथ साथ पहले उंगलियाँ दी हैं, तो जो हमारी मेहनत की तरफ इशारा करती हैं। तो लकीरों से ज़्यादा मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, जब हम मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। हेलो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल पर और मेरे प्यारे से घर में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 3:30 बज गए हैं और आज है नवरात्रों का 7वां दिन। तो ये 7वां नवरात्रे का ब्लॉग है, जो कि थोड़ा सा लेट जाएगा किसी वजह से। तो मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं कहीं जा रही हूँ घूमने हस्बैंड जी के साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी उठना हुआ है। और यहाँ पे मैंने अपने घर की साफ़ सफ़ाई शुरू कर दी है, और काम करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता भी बना के रखा था बच्चों के लिए, और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो जाहिर है नवरात्रे चल रहे हैं तो किसी मंदिर को ही जाऊँगी। हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और राम राम जी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज दिन है संडे और 2 तारीख है, मैं भी भूल जाती हूँ, लक्कड़ हूँ थोड़ी सी, तो दिन तारीख याद नहीं रहती है, लेकिन आज 2 अक्टूबर है और दिन संडे है। आज माता रानी का 7वां दिन है और आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती भी है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे। तो आप सभी लोगों को विश यू वेरी वेरी 2 अक्टूबर हैप्पी जो है गांधी जयंती और जय माता दी। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ मंदिर नैमिषराय धाम। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी चलिए, आज आप लोगों को मैं मंदिर घुमाऊंगी। और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, सारे काम, क्लीनिंग वगैरह सब मैंने सुबह ही कर ली थी 4 बजे उठ के। तो बस तैयार हो गई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, वो बाहर खड़े हैं। तो चलो चलती हूँ और आप सबको भी आज मंदिर घुमाऊँगी और दर्शन करवाती हूँ ललिता मैया के। और अभी मैं पहुंच गई हूं मंदिर। तो मैंने जहां बताया था नैमिषराय धाम, हस्बैंड वहां लेके नहीं गए थे, वहीं पे पास में ही दूसरा मंदिर है हनुमानगढ़ी और 5 पांडव का किला। तो ये मुझे यहां पे लेके आए हैं दर्शन कराने के लिए बजरंगबली जी के, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। और यहां पर फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाना मना था, लेकिन फिर मैंने हल्की सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ पर देखो सुंदर सुंदर सी बतख बैठी हैं, ये देखो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं दोनों लोग दर्शन करके हनुमान जी के, और ये इधर घूम रहे हैं, इधर बड़ी अच्छी जगह है घूमने वाली। और ये देखो कहाँ घूम रहे हैं हस्बैंड जी। हाँ कहाँ, कहीं के अंदर कहाँ तुम घुमा रहे इधर? इनको हमने कहा था नैमिषराय लेके चलना, लेकिन वहाँ नहीं लेके गए, ये यहाँ घुमा रहे हैं हनुमानगढ़ी। और ये मंदिर भी नैमिषराय धाम के पास है, 5 पांडव का किला और हनुमानगढ़ी थोड़ी सी दूरी पे है। तो यहाँ पे मैं नहीं आई थी, मैं नैमिषराय धाम कई बार गई हूँ, तो फिर ये मुझे यहाँ पे लेके आए थे। और यहाँ पे अभी हम दोनों लोग बैठकर पी रहे हैं चाय, और उसके बाद फिर ये मुझे लेकर गए थे हनुमानगढ़ी की जो मतलब क्या बोलते हैं घाट है, घाट की तरफ लेके गए थे। तो अभी हम दोनों लोग जा रहे हैं घाट की तरफ, और घाट की तरफ सचमुच बड़ा अच्छा जो है व्यू था, लेकिन आजकल यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ी दूरी गए थे फिर आगे जो है नहीं गए थे। यहाँ पे ये देखो घाट के आसपास ही पानी है, तो यहाँ पे दुकानें वगैरह लगती हैं, तो पानी की वजह से आज कुछ नहीं था, सब कुछ खाली खाली था, क्योंकि पानी जो है घाट के इधर आ गया है। तो बस ये वहीं तक लेके गए थे और फिर हम लोग वापस आ गए हैं वहाँ से। और अभी हस्बैंड जी लेके आ गए हैं मुझे देवदेव शरण धाम, अपनी फेवरेट जगह, क्योंकि इनको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे सचमुच बड़ा अच्छा लगता है।
खजूर के तो ना आए हैं, तुम खजूर बता रहे हो। अरे खजूर है यार, ये देखो नीचे जमे सब खजूर, सब खजूर। तो ये देखो ये मुझे यहाँ घुमाने लेके आते हैं, यहाँ इनको मंदिर वंदिर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता है। मैंने इनसे कहा था कि नैमिषराय धाम लेके चलो, फिर वो नैमिषराय धाम नहीं ले गए थे, ये ले गए थे, सिर्फ पांडव किला दिखाया इन्होंने और ये यहाँ लेके आए हैं। यहाँ मैं दिखाऊँ बैक कैमरे से, यहाँ वाकई में बड़ा अच्छा लगता है। और ये है देवदेवशरण भूमि का घाट, मंदिर जो है वो आगे ही पड़ जाता है। मैंने मंदिर का ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मैंने मंदिर अपनी एक वीडियो में शेयर किया है एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में। तो ये आज मुझे इधर लेके आए हैं, तो इधर का व्यू बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा। ये जो गोमती की धारा एक निकली है तो नाव वगैरह चलती हैं इधर, बारिश के सीज़न में बड़ा अच्छा लगता है, पानी ज़्यादा होता है, नाव चलती हैं, हरियाली बहुत होती है। तो ये जब भी लेके आते हैं तो इधर ज़रूर लेके आते हैं। नाम बिठा लो, नाम बिठा लो। भाई कहाँ सवारी नहीं की थी, ये जब भी लेके आते हैं तो नाव में जरूर बिठाते हैं। पहले यहाँ पे घाट नहीं बना था, अभी घाट बन गया है। पहले जब हम लोग आते थे तो ये सब कच्चा ही था, मिट्टी मिट्टी थी, लेकिन अभी घाट बन गया है, बड़ा सुंदर। पहले तो छोटी छोटी नाव, पहले छोटी नाव होती, अभी बड़ी पहली बार देखी, पहले उतनी छोटी आ गई, पहले हाथ से चलती रही। 25 सवारी वाहन, 5 सवारी भाई हो जाए। हां सही है, पर तो कैसे खाइए तुम्हारो तो भाई। एक एक लोगों की कितने किराया है एक सवारी? 20 रुपया सवारी ली थी, 20 रुपया सवारी, 100 रुपये नीचे चलाई मैंने। इतने खान इतने टाइम एक एक लोगों ने, चाहे एक लोग बैठे जाए, 5 मिनट 100 रुपया शुरुआत में आए। 100 रुपया ये घुमाएंगे नाव पे, चलो आप लोग भी आ जाइए नाव पे बैठे आके। ये देखो नाव, 100 रुपया ले दे आओ, तब ले जाए। 100 रुपये नीचे को जाइए, एक जन बैठे जाए, 5 जन बैठे, मतलब एक एक वो नहीं, 200 रुपये मतलब एक राउंड के 100 रुपया। कहाँ तक ले के ले, सही कह रहे हैं उनका भाई। पेड़ चलो मैं तो जा रही हूँ नाव की सवारी करने, आज बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे ये वाला ब्लॉग देखेंगे तो बड़ा जो है ना गुस्सा करेंगे। आ जाओ हम लोग पीछे आए थे, फोन इधर, हम बैठे तो फोन ऐसे बैठो, तो कैसे आजे भैया आपको इस साइड में ये वाला ब्लॉग मेरे बच्चों ने अगर देखा तो सच में ये बैंड बजेगी। ऐसा करो तुम चला जाएगा, नहीं वो मां गाड़ी में ग्रीवर से गिर नहीं होती, बैक चल जाती। और यहाँ पे आना, नाव में बैठना दोनों बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आजकल जानू के टेस्ट चल रहे हैं और आर्यन के स्कूल थे जिसकी वजह से दोनों बच्चे नहीं आए हैं। और हम दोनों लोग मंदिर को बोल के आए थे तो फिर वो मंदिर बहुत कम ही जाते हैं, और हस्बैंड जी पूरी नाव पे बैठे बैठे वीडियो फ़ोटो ही बना रहे थे। ये देखो पानी की लहरों का जो है ब्लॉग बना रहे थे, और सच में यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर आके। ये वैसे कहीं नहीं घुमाने लेके जाते हैं, जब नवरात्रि का व्रत है तब घुमाने लेके आए हैं। अब पूछ रहे हैं टिक्की खाओगी बतासे खाओगी, बताओ व्रत में कौन खाए टिक्की बतासे? पैसा बचे तुम हाँ देखो पैसे बचा रहे, नाव पे घूम के मज़ा बड़ा आया। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा छाया बहुत है।
इनसे जब भी घुमाने को कहो ये यहीं लेके आते हैं, इनको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। पर यहाँ पे सचमुच बड़ा अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, शांति बहुत है। इसीलिए मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाते हैं, जब मंदिर वंदिर का नाम लो तो यहीं लेके आते हैं, इनको यही जगह अच्छी लगती है। और ये सच में बड़ी अच्छी जगह है, वाकई में यहाँ के अच्छा लगता है। शहर की भाग दौड़ जिंदगी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो कोई एक बार जरूर यहाँ आए और आपको देखिए कुदरती एहसास मिलेगा। बिल्कुल नेचुरल चीज़ है यहाँ पे, पेड़ पौधे मिलेंगे ढेर सारे, शांति मिलेगी ढेर सारी, शांति सुकून से बैठो थोड़ी देर, अच्छा लगता है। लो गिरा फोन। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि कहीं हम बाहर घूमने जाएं, दूर घूमने जाएं, ढेर सारा पैसा खर्च करें, हम अपने आसपास भी घूम फिर सकते हैं। खासकर हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और इस तरीके से घूमते फिरते हैं तो हस्बैंड की जेब पर भी बुरा असर नहीं पड़ता है। तो देखो कम बजट में घूम फिर ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और अभी जो इस वाली वीडियो का एंड भी करती हूँ फ्रेंड्स यहीं पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।